सभी दर्शकों को नमस्कार। जी न्यूज़ पोर्टल पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से, और गंगापुर सिटी की ये फल सब्जी मंडी है। कौन है बड़ा? और यहाँ पे जो आज गंगापुर सिटी की ये फल मंडी है, इसमें कांग्रेस जो प्रत्याशी है गंगापुर सिटी विधानसभा क्षेत्र से, उनकी सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ फल मंडी से। और ये निकल चुके हैं गंगापुर सिटी। ये जो चौराहे का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ, नई मोड़ चौराहे से सीधी लाइव तस्वीर है। ये देखिए दूसरी ओर जा रहा है ये। ध्यान है आपको, दुकान कहाँ खरीद लगभग आ रही है। बिना हेलमेट के ही ये सब निकल चुके हैं, ये देख सकते हैं आप। गंगापुर सिटी में हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पर। गाड़ी तो मंगवा के आगे बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीर राजस्थान में, ये सीधी लाइव तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। और देखिए पूर्व विधायक कांग्रेस प्रत्याशी
गंगापुर सिटी मनोरथ सिद्ध हनुमान जी के सामने कांग्रेस प्रत्याशी रामकेश मीणा और अपनी जो बाइकर्स हैं उनके साथ में निकल चुके हैं रैली के लिए। गंगापुर सिटी के जो मेन मार्केट की ओर कूच कर रहे हैं ये, और इनके साथ में युवाओं का लंबा चौड़ा काफिला है। ये सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं और गंगापुर सिटी से हैं ये तस्वीरें। और कुछ बाइकर्स आगे निकल चुके हैं रामकेश जी से, आगे ही देखिए कांग्रेस का झंडे को लेकर। गंगापुर सिटी में सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। और राकेश छाण जी, जो आज इनका जन्मदिन भी है, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ हो, युवा नेता हैं। गंगापुर सिटी में जुम उमड़ चुका है और स्वागत करने के लिए आतुर है यहाँ पर गंगापुर सिटी के जो लोग हैं। ये देखिए कांग्रेसियों में एक गजब का एक उत्साह का माहौल है। सीधी लाइव तस्वीर है। सीधी लाइव तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए हीरो पल्लीवाड़ हीरो मोटरसाइकिल एजेंसी के सामने से, और यहाँ पर इनका स्वागत करने के लिए देखने के लिए फूल माला है लेकर खड़े हुए हैं। किसका स्वागत कर रहे हो? रामकेश जी का। क्या हो गया रामकेश जी को? कांग्रेस पार्टी से, पार्टी के समर्थन में। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में? हाँ जी। ये देखिए गंगापुर सिटी में कांग्रेस पार्टी के समर्थन में ये यहाँ पर स्वागत की तैयारियाँ जोरों पर है। उनको दे दो। गंगापुर सिटी में ज़्यादातर लोग जो बाइकर्स पे घूमते हैं वो लोग बिना हेलमेट के ही निकल जाते हैं। ये देखिए बिना हेलमेट के ही जा रहे हैं। क्या संदेश देंगे ये? अरे दोस्त ऊपर बैठ जाएगा, एक ही तो है। तो भाई आ रहा है, एक थैली फूल नहीं जोड़ देंगे। कोई बच्चे मेरे नाम है तू फोटो दे, अभी फोटो दे तक चल ही ना, तक जीप पर निकल आई यहां से। यहां पे बैठ जाए बगल में, आप बैठ जाए गाड़ी वाले को जान। चल 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 च
गंगापुर सिटी में कांग्रेस जो प्रत्याशी है रामकेश मीणा जी, इनकी जो काफिला है रैली के साथ निकल चुका है। ये सीडी लाइव तस्वीर में आगे दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से यूनिक पोर्टल पर। ये सीधा लाइव कवरेज है गंगापुर सिटी पोर्टल पर। और अभी ये पहुंच चुके हैं राजेंद्र टाइल्स एंड सैनिटरी के सामने। ये देखिए फूल मालाओं से इसके स्वागत किया जा रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी चरमरा गई है। बिल्कुल सवन पता है क्या वन से ले हम पूरा गंगापुर में एक चोर ग्रुप है, वो लाइव पैसे लेता है चलाने के क्या वन से, तो ग्रुप में था आप भी जा मिलो फिर जा नहीं लिया मैं। ये देखिए विधायक के प्रत्याशी है कांग्रेस के जो देखिए गंगापुर सिटी में कांग्रेस प्रत्याशी रामकेश मीणा की बाइक रैली निकलते हुए फल मंडी से लेकर Yeah!
आ जा रहे हो? मैं यहाँ आया हूँ, कांग्रेस के उसमें है, बिना हेलमेट गई से नमोनारायण मेरा नाम है युवा, बिना हेलमेट गई, हेलमेट तो चलेगा, आएगी गवर्नमेंट हमारे आएगी तो हेलमेट तो बिना बिना धज्जी उड़ाओगे के नियमों की? बिल्कुल, चौथी बार गहलोत आएगी, गहलोत तो धज्जी उड़ाओगे बिना नियमों की? नहीं, नियम पूरा लागू है, हेलमेट तुम्हारा शासन प्रशासन से सही करेंगे। हाँ, तुम्हारा हेलमेट, हेलमेट तो अभी यहाँ पे रखा है, पास में रखे आया हूँ। झूठ बोलने की बहुत उत्तम कला है आप लोगों में। हाँ जी सर, ये देखिए कांग्रेस प्रत्याशी गंगापुर सिटी से, ये लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। फूल और मालाओं से इनके स्वागत किया जा रहा है गंगापुर सिटी में। देखिए इनकी ये जो रैली है, इसका भव्य स्वागत हो रहा है गंगापुर सिटी में, आप देख सकते हैं, सीधी लाइव तस्वीर है और सीधा लाइव प्रसारण में आपको दिखा रहा हूँ गंगापुर सिटी से। ये देखिए गंगापुर सिटी की जनता इनके स्वागत और सम्मान के लिए खड़ी हुई है। जी न्यूज पोर्टल पे सीधी लाइव तस्वीर है। गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा का जो रैली है, काफिला है, वो सीधा आ रहा है यहाँ पर और उसका जगह जगह पे स्वागत किया जा रहा है कांग्रेस जो समर्थक लोग हैं उनके द्वारा। पूर्व में रामकेश मीणा निर्दलीय विधायक रहे हैं, उससे पहले उनकी बहू जिला प्रमुख रही हुई है सवाई माधोपुर जिले की, और उससे पूर्व वो बहुजन समाज पार्टी से विधायक रहे हैं। ये इस प्रकार का इनका बायोडाटा है। और गंगापुर सिटी में काफ़ी इनको जन समर्थन मिल रहा है, विधायक प्रत्याशी हैं कांग्रेस पार्टी के। गंगापुर सिटी में 16 प्रत्याशी खड़े हुए हैं चुनाव मैदान में, और इनका कांग्रेस की पंजीकरण कराने के लिए मिस्ड कॉल और गारंटी, 7 गारंटी इन्होंने दी है कांग्रेस की, 7 गारंटी, परिवार को, महिला को, मुखिया को 10,000, ये देखिए गंगापुर सिटी में विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी रामकेश मीणा का ये जो काफिला है वो बाजार के लिए इनकी रैली निकल चुकी है। सीधी लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जगह जगह पे इनका स्वागत किया जा रहा है गंगापुर सिटी में, और खुद राम के जी मीना गंगापुर की बकरी गंगापुर सिटी दिलीप सिंह पेट्रोल पंप के सामने इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, दिलीप सिंह जी का वहाँ पर पहुँच चुके हैं प्रत्याशी कांग्रेस।
गंगापुर सिटी से सीधी लाइव तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ जीनूस होटल पे। और पहले सर बना रहा हूँ थोड़ा सा ये देखिए जीनूस पोर्टल पे सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ गंगापुर सिटी से। और कांग्रेस प्रत्याशी जो रामकेश मीना है अभी बर्दवान में विधायक है वो, और इसको पैर को उधर कर लो। ये देखिए फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है यहाँ पर और फूल बरसाए जा रहे हैं। प्राइवेट बस स्टैंड पर भारी भरकम स्वागत के साथ में कांग्रेस पार्टी के झंडे लहराए जा रहे हैं। रामकेश मीना जी चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, और दो बार वो विधायक रह चुके हैं, एक बार उनकी पुत्रवधू जिला प्रमुख रह चुकी है। और कांग्रेसी जो परिवार है वो काफ़ी खुशी में है। और ये देखिए कांग्रेस की गारंटी, 7 गारंटी इन्होंने निकाली है। देखिए कांग्रेस जो पार्टी है उसके जो कार्यकर्ता हैं उनका हुजूम उबड़ चुका है। जीनूस पोर्टल में सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी से। आप देख सकते हैं विधायक अपने गाड़ी पर निकल चुके हैं रैली के रूप में, और लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। गंगापुर सिटी से ये सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम गंगापुर सिटी के फवारा चौक हृदय स्थल पर पहुंच चुके हैं और सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पे भव्य स्वागत चल रहा है इनका, फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। और जी न्यूज पोर्टल पे, गंगापुर सिटी पोर्टल पे हम आपका स्वागत करते हैं। और अधिक से अधिक शेयर करें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, पुष्प वर्षा हो रही है यहाँ पर। गंगापुर सिटी से सीधी लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर काफी भारी मात्रा में लोग स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं। जी न्यूज पोर्टल पे सीधी लाइव तस्वीर है, हम आपको लाइव दिखा रहे हैं गंगापुर पेज पर। इसको लाइक करें, फॉलो करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। सीधी लाइव तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी पेज पर। और ये लाइव तस्वीर है, ये गंगापुर सिटी का हृदय स्थल माना जाता है, हमारा चौक। हमारा चौक से हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं गंगापुर सिटी चैनल पर। और ये देखिए विधायक के साथ काफिला काफी भारी भरकम है। और हम आपको सीधे लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। ये देखिए इनके स्वागत के लिए काफी लोग उमड़ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए इनका स्वागत किया जा रहा है। ये देखिए कालू राम जी इनके प्रमुख समर्थक माने जाते हैं, आयुर्वेद चिकित्सक हैं। और लेकिन आज वो आचार संहिता की वजह से मुस्कुरा रहे हैं और फूल माला नहीं बरसा रहे हैं। विधायक ने भी उनकी और हाथ हिला के इशारा कर दिया है और मुस्कुरा गए हैं वो। गंगापुर सिटी और तहसील के सामने हम पहुंच चुके हैं अभी। और ईदगाह की ओर जा रहे हैं अभी, कुछ ही देर में मस्जिद पे इनका भारी भरकम स्वागत किया जाएगा। न्यूज पोर्टल पे सीधी लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह का माहौल है, मामला है। और
इनकी त्रिकोणीय संघर्ष गंगापुर सिटी में है। रामकेश मीना पूर्व विधायक वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी और फूल और मालाएं लेके काफी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। जब समर्थक कांग्रेस पार्टी के देखिए फूल मालाएं, ऊपर से भी फूल मालाएं आ रही है, बच्चे भी फेंक रहे हैं फूल, और ये देखिए कांग्रेस का झंडा लगाकर इनका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे ये देखिए सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे इकबाल जी लगे हुए हैं फोटो खींचने में, बनाने में। चलो चलो चलो, ये हम पहुँच चुके हैं ईदगाह पर, जामा मस्जिद, सॉरी जामा मस्जिद पे पहुँच चुके हैं, गंगापुर सिटी की जामा मस्जिद। देखिए गंगापुर सिटी में रामकेश जी मीना कांग्रेस प्रत्याशी का रैली नहीं रेला हो गया है, और ये देखिए रहमानिया प्राइमरी स्कूल के सामने, और जो जामा मस्जिद है वहाँ का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। गंगापुर सिटी में सीधी लाइव तस्वीर है। जामा मस्जिद का दृश्य है, और टूटा झंडा था।
लास्ट टाकीज पे पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में हम गंगापुर सिटी में। शेयर करें, लाइक करें अधिक से अधिक। गंगापुर सिटी के कैलाश टाकीज पे हम आ चुके हैं और ईदगाह की ओर जा रहे हैं अभी। गंगापुर सिटी यूनुस पोर्टल पे सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। और
गंगापुर सिटी के जो उदय मोड़ स्थित फल मंडी चौराहे था वहाँ से सीधी लाइव तस्वीरें। क्या कहेंगे आप? कांग्रेस पार्टी के द्वारा राज्य सरकार ने जो 7 घंटी योजना लिखाई है उसके तहत हमारे स्थानीय विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में यात्रा निकल रही है। ये यात्रा अपने सब्जी मंडी से लेकर इनका चौराहे तक रहेगी। मीणा को 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतदान देकर भारी बातों से विजयी बनाए। जो कांग्रेस सरकार के प्रत्याशी है और कांग्रेस सरकार बनने पर राजस्थान सरकार में 7 गारंटी लागू हो जाएगी। 500 रुपया सिलेंडर और जो भी गारंटी है वो छिन्न हो जाएगी जो कांग्रेस सरकार बनती। और रामकेश मीणा को 25 तारीख को भारी मतों से विजयी बनाए। गंगापुर सिटी से सीधी लाइव तस्वीर है और ट्रक यूनियन पे अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। डॉक्टर मेहरवाल के सामने चश्मा घर डॉक्टर मेहरवाल के सामने पहुंच चुके हैं। अभी कांग्रेस जो प्रत्याशी है गंगापुर सिटी रामकेश मीणा इनके स्वागत के लिए देखिए ऊपर से
यूनियन, न्यू ट्रक यूनियन गंगापुर सिटी पे पहुंच चुके हैं हम। गंगापुर सिटी ट्रक यूनियन पे पहुंच चुके हैं हम। एसपी पेट्रोल पंप जो हरीश पलेवाड़ जी का था उनके यहाँ पे पहुँच चुके हैं। ट्रक यूनियन से आ गए और हरीश पलेवाड़ जी चार बार रिद्धि चंद जी पलेवाड़ भी रह चुके हैं विधायक गंगापुर सिटी के। नवीन शर्मा जी पीछे तक कवरेज लो, आप कह रहे हो लेकिन पीछे कैसे जाए भाई, आगे चल रही है हमारी गाड़ी। तो Yeah.
सेक्टर प्रभारी जो गंगापुर सिटी में लगे हुए हैं वो खाना खा रहे हैं चलती हुई गाड़ी में। कितना उनका देखिए गंगापुर सिटी गंगापुर सिटी के जो वर्तमान में नगर परिषद के चेयरमैन हैं उनके घर के पास पहुंचने वाले शिवरतन अग्रवाल। और ईदगाह की ओर जाते हुए काफिला कांग्रेस प्रत्याशी जो गंगापुर सिटी से विधानसभा क्षेत्र से उनकी रैली निकाल रहे हैं ये आज। पीछे रह गए भैया भैया झंडे वाले को हटाओ।
ये देखिए पेंटो भी पहुंच चुके हैं। गंगापुर सिटी में जो कांग्रेस की जो रैली है, कांग्रेस प्रत्याशी रामकेश मीना द्वारा निकाली जा रही है। रोड शो गंगापुर सिटी विधानसभा में फल सब्जी मंडी से जनता का रुझान जन सैलाब देखते हुए निश्चित है कि गंगापुर में कांग्रेस का विधायक बनने वाला है। कांग्रेस का प्रचार सपोटरा में, सपोटरा में भाजपा का प्रचार क्या कहेंगे? सपोटरा में हम कैंडिडेट को सपोर्ट करते हैं, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं। और सपोटरा में अंतराज बालों को विजयी बनाए, गंगापुर सिटी में रामकेश मीणा को विजयी बनाए, किसी पार्टी के गुलाम नहीं है। रामकेश जिंदाबाद, अंतराज बालों की जिंदाबाद। समर्थक है उस वजह से आए, हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। अरे फोटो नहीं आएगा ना इसमें।
गंगापुर सिटी में ईदगाह चौराहे पे हम आपको सीधी लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल पे। और ये सीधी लाइव तस्वीर है गंगापुर सिटी पोर्टल पे, ईदगाह चौराया सवाई माधोपुर को जाने वाला ये रास्ता है और मेरे जस्ट पीछे जयपुर को रास्ता जा रहा है। और ये अंदर बाजार का दृश्य है, यहाँ पर ये जो कांग्रेस जो समर्थित लोग हैं पटाखे चला रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं। विधायक प्रत्याशी जो गंगापुर आ चुके हैं। अरे अरे भाई साहब यहीं रखो यार, भाई गाड़ी यहीं रखो। ओ भाई बंद कर ले गाड़ी को। ये देखिए यहाँ पे जाम की स्थिति बन चुकी है और आमने सामने गाड़ियाँ हो चुकी है। जी न्यूज़ पोर्टल की सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ ईदगाह चौराहे से गंगापुर सिटी से। ये देखिए यहाँ पर सीधी लाइव तस्वीर है, आप देख सकते हैं गंगापुर सिटी पोर्टल पर। और अब स्वागत करने के लिए यहाँ पे कांग्रेस समर्थित लोग खड़े हुए हैं। ये देखिए गंगापुर सिटी में सीधी लाइव तस्वीर है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए कांग्रेस समर्थित लोग, सैनी फर्टिलाइजर्स, झंडा डालो, झंडा डालो।
देखिए गंगापुर सिटी जो कांग्रेस प्रत्याशी है रामकेश मीणा जी, उनके ऊपर गुलाब के फूल, टूट जाएगी गाड़िया ऊपर खंड, ऊपर खंड जा तो उतरवा दो, स्पेशल इंटरव्यू लीजिए। देखिए यहाँ पर अशोक गहलोत चौथी बार फोटो लेना भाई साहब, लो फोटो लो भाई साहब के साथ, फोटो बनाओ इधर आ जाए हेमराज। अरे अशोक गहलोत जिंदाबाद, लगातार चौथी बार रामकेश जी मीणा विधायक साहब है जो पूर्व विधायक हैं अभी, और अभी कांग्रेस के जो प्रत्याशी है इनसे बात करेंगे हम एक बार जी न्यूज़ पोर्टल पे। और आज उन्होंने जो कांग्रेस की रैली निकाली है और विधायक साहब से बात करेंगे, चर्चा करेंगे थोड़ी देर में जी न्यूज़ पोर्टल पे। क्या कहेंगे अब आप? शानदार रैली निकली है, जो 7 गारंटियां दी हैं सरकार ने, 7 गारंटियों का आज हमने प्रचार प्रसार किया है और ज़बरदस्त उत्साह है शहर में, युवाओं में, सब आम नागरिक में इतना ज़बरदस्त उत्साह है सरकार की इन योजनाओं को लेकर के। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आशीर्वाद देगी जनता। गंगापुर सिटी के जो कुछ मुद्दे हैं उनके ऊपर भी आपको गंगापुर सिटी के जो मुद्दे रह गए हैं शेष उनको सरकार, आप मुख्यमंत्री के विशेष सलाहकार थे, पाचना का पानी का पेज उलझा ही रह गया, पानी का पेज हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जैसा हाई कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट ने निर्णय दे दिया है आपको पता है, उस निर्णय की अब हम लोग पालना करवाएंगे, सरकार बनते ही उसकी पालना करवाएंगे। और ईस्टर्न कैनाल, ईस्टर्न कैनाल का तो अभियान पूर्वी राजस्थान में जबरदस्त चल रहा है और 13 जिलों के लोग बहुत ही ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं और लोगों की उम्मीद है निश्चित रूप से केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद गंगापुर सिटी के कांग्रेस प्रत्याशी रामकेश मीणा जी, ये पैदल ही कुछ समय निकल गए, पैदल मार्च कर रहे हैं और अभी ईदगाह चौराहे पर हैं, इनके समर्थक इनके साथ में हैं, काफ़ी युवाओं में जोश का माहौल है। जी न्यूज़ पोर्टल पर बने रहिए, देखते रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।